धनबाद जिले में लगातार मिल रहे कोरोना मामले में मंगलवार को कोरोना के 32 नए मरीज मिले, जिसमें 18 धनबाद शहर के हैं, जिसमें हीरापुर के 2, BCCL कॉलोनी हजीना में 1, कुंज विहार कॉलोनी में 1, सराय ढेला में 3, हाउसिंग कॉलोनी में 2, बैंक मोड़ में 1, मुरलीडीह में 1, पुलिस लाइन में 3, धोबाटांड में 1, जयप्रकाश नगर में 1 और गांधी रोड में 2 मरीज पाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस लाइन में 3 जवान संक्रमित पाए गए हैं। मंगलवार को PMCH की OPD में आए तमाम मरीजों की कोरोना जांच कराई गई। सरकार के निर्देश के बाद डॉक्टरों ने मरीज को बताया कि सबसे पहले कोरोना जांच कराना आवश्यक है, इसके बाद ही इलाज किया जाएगा। इस दौरान लगभग 250 लोगों की जांच की गई। कुछ लोगों की रिपोर्ट देर शाम आई, वहीं कुछ की रिपोर्ट आ जाने की संभावना है। वहीं कोरोना जांच को देखते हुए OPD में इलाज कराने आए लगभग 70 मरीज लौट गए। वो कोरोना जांच नहीं करवाना चाह रहे थे, वो लोग बिना जांच कराए ही लौट गए। दरअसल सभी लोग दूसरे बीमारियों का उपचार कराने आए थे, लेकिन जब पता चला कि पहले कोरोना की जांच करानी है तो सभी मरीज लौट गए। जिले में लगभग 3,082 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 2,485 लोग अब तक संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं जिले में 565 के आसपास सक्रिय मरीजों की संख्या है। अगर हम बात करें तो अगस्त महीने में जिले में कोरोना के मामले में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अब तक अगस्त महीने में कुल 2,402 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जबकि अब तक कोरोना से 32 लोगों की जान गई है। मंगलवार की रात PMCH के ICU में इलाजरत एक व्यक्ति की जान चली गई। सीने में तकलीफ के बाद उसे PMCH में भर्ती कराया गया था। गंभीर स्थिति देखते हुए उसे ICU में शिफ्ट किया गया था। वहीं होम क्वारंटीन का पालन नहीं करने को लेकर ग्यारकुन वीडियो के लिखित शिकायत पर चिरकुंडा थाना में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण से लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। हम आपको बता दें कि धनबाद के शहरी क्षेत्र में मरीजों की संख्या ज्यादा मिल रही है, बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हर जगह दुकानों में एवं बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लगातार उड़ रही हैं। लोग जागरूक होने के बावजूद नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो या ग्राहक। ऐसे में सावधानियां बरतना बहुत ही जरूरी है। कृपया सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, मास्क पहनें, जब तक आवश्यक ना हो घरों से बाहर ना निकलें, घर में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा।